गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी 11:30 बजी है और 11:30 का टाइम हो रहा है और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। बस अभी रेडी होने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी मार्केट। और उससे पहले मुझे जाना है पीर बाबा पर और उसके बाद जाऊँगी मार्केट। फिर मुझे मिष्टी के लिए कुछ गिफ्ट लेने हैं, दोनों बच्चों के लिए लेने हैं, अरमान के लिए भी और मिष्टी के लिए भी। क्योंकि जब भी मिष्टी का बर्थडे हो या अरमान का हो, मैं दोनों के लिए ही गिफ्ट लेती हूँ। जब मिष्टी का होता है तो अरमान के लिए भी ज़रूर गिफ्ट लेती हूँ और जब अरमान का होता है तो मिष्टी के लिए भी गिफ्ट ज़रूर लेती हूँ। तो बस अभी मैं उनके लिए गिफ्ट लेने के लिए जा रही हूँ और उससे पहले मुझे मिष्टी को एक सरप्राइज़ देना है। एक्चुअली आज पिज़्ज़ा खाने का उसका बहुत मन है तो मैं अभी पिज़्ज़ा भी लेकर आऊँगी और स्कूल से भी इन दोनों को पिक करना है मुझे। तो फिर चलिए अभी मैं मार्केट जाती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। और उससे पहले मैं ये करके ही कर दूँगी, देखिए। तो फिर चलिए, फिर मैं चलती हूँ मार्केट, आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो गाइज, यहाँ पर मैं अभी जा रही हूँ मार्केट और ये कुछ पिक्स देख सकते हैं आप जो हमने रास्ते में ली थी। एक्चुअली आज हमारी एक तरह से लॉन्ग ड्राइव भी हो गई थी, तो लॉन्ग ड्राइव भी कह सकते हैं कि हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर गए थे, तो काफ़ी मज़ा आया। वैसे बाइक पे तो और ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी जो आप देख सकते हैं। इस तरीके से पीछे ट्रेन जा रही है और राज ने बोला कि ऐसे करके पिक्चर लेते हैं। और वहाँ पर एक छोटी सी नदी भी थी, ये आप देख सकते हैं। और ये है पीर बाबा का रास्ता जो हम वहाँ पर रुके थे, तो ये कुछ पिक्चर्स हैं। सो हे गाइस, अभी मैं वापस आ चुकी हूँ और अभी हम इंजॉय कर रहे हैं अपना पिज्ज़ा। तो पिज़्ज़ा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे और किस किस को पिज़्ज़ा पसंद है बताइएगा कमेंट में, क्योंकि आजकल तो सभी को पसंद आता है पिज़्ज़ा। और जिस जिसको नहीं पसंद है वो भी बताइएगा, जिसको पसंद है वो भी बताइएगा। तो आज हम पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे हैं और बच्चे स्कूल से आ चुके थे। मैं आते हुए इन दोनों को हमने पिक कर लिया था, स्कूल से ले आए थे हम। तो ये देखिए, ये हम इंजॉय कर रहे हैं अपना पिज़्ज़ा। और यहाँ पर ये रात के 12 बजे आप देख रहे हैं कि मिष्टी सोई हुई है और दोनों बच्चे सो चुके हैं, अरमान भी सोया हुआ है। तो यहाँ पर हम इस वक्त बैलून लगा रहे हैं। राज बुला रहे थे, मैं लगाने में हेल्प कर रही थी। और इस तरीके से हमने रात को बैलून लगाए थे ताकि जब मिष्टी उठे तो उसे सुबह सरप्राइज़ मिले। अभी आप देख सकते हैं 11:30 बजे का टाइम हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हमें 12 बज गई थी ये सब करते करते, तो 12 बज गई थी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज मैं बहुत जल्दी शूट कर रही हूँ, अभी सुबह के 7 बजी है। आज एक्चुअली जल्दी शूट करने का एक रीज़न है, आज है 19 नवंबर यानी कि 19 नवंबर और आज होता है मिष्टी का बर्थडे। मिष्टी यानी मेरी डॉटर यानी कि मेरी बेटी, और आज मिष्टी का बर्थडे है। तो वैसे तो मैं उसे काफ़ी सारे सरप्राइजेस दे चुकी हूँ इस मंथ में। और जब भी किसी बच्चे का बर्थडे होता है ना, तो पेरेंट्स को ये लगता है जो भी उसका बर्थडे मंथ है ना, तो उसमें इसको हर रोज कुछ ना कुछ सरप्राइज दिया जाए। तो फिलहाल हर रोज तो कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन जितना होता है मैं करती हूँ अपनी तरफ से। पूरे एफर्ट्स लगाते हैं राज और मैं अपने बच्चों को खुश करने के लिए, उनके चेहरे पर स्माइल देखने के लिए। तो अभी मैं इसलिए शूट कर रही हूँ सुबह सुबह में, क्योंकि मुझे अभी मिष्टी को सरप्राइज देने जाना है। वो एक्चुअली अभी सो रही है और अरमान भी सोया हुआ है, दोनों बच्चे सो रहे हैं। तो अभी मैं उसके पिलो के नीचे यानी कि उसके तकिए के नीचे चॉकलेट्स रखने वाली हूँ। और तो चलिए फिर उसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। और आप भी गाइस अपने ब्लेसिंग्स, अपनी बेस्ट विशेस मिष्टी को जरूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मिष्टी को भी अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी मैं उसके पिलो के नीचे चॉकलेट्स रख देती हूँ और उसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं लेकर आई थी ये 2 डेयरी मिल्क की चॉकलेट लेकर आई थी। एक्चुअली मैं अपने लिए भी लेकर आई थी और तो 3 मैं चॉकलेट्स लेकर आई थी। और गाइज़ अभी आप देख रहे हैं सुबह का टाइम, सुबह के वक्त मैंने इनकी पिलोज़ के नीचे चॉकलेट्स रख दी थी। तो इनका रिएक्शन मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी दोनों बच्चे खुश थे, इनको बहुत अच्छा लगा। अब अरमान और मिट्टू अपने अपने पिलोज चेक करेंगे, तकिए चेक करो। तकिया कहा है मैंने, वो तकिया है जिस पे सो रही थी, उसका तकिया ही गायब हो गया। हैप्पी बर्थडे। मिट्टू की जैकेट उठा, कैसा लगा? तो गाइस आपने मिष्टी का रिएक्शन तो देख ही लिया है कि कितनी खुश है वो चॉकलेट्स लेकर। और बैलून्स हमने रात में लगाए थे, रात को 12 बजे, जैसा कि आपने देखा। तो रात को 12 बजे भी मैंने शूट किया था, दोनों बच्चे सो चुके थे उस वक्त। तो राज और मैंने बैलून्स लगाए थे और रिएक्शन आपने देख लिया है। तो उनकी चेहरे पर स्माइल देख के मुझे भी बहुत खुशी होती है और ऑफकोर्स राज को भी। पेरेंट्स तो हमेशा ही खुश होते हैं, अभी जब बच्चे को सरप्राइज देते हैं तो कितना खुश हो जाते हैं। उनके चेहरे पर स्माइल देख के हमें भी अच्छा लगता है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता,
तो मिष्टी उठ चुकी है, बच्चे उठ चुके हैं, फिर मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, उसके बाद मुझे रेडी भी होना है। आज एक्चुअली हम लंच के लिए बाहर जा रहे हैं, यही कुछ छोटी सी प्लानिंग की है। वैसे हम बाहर लंच करेंगे और लंच में देख लेते हैं फिर हम, मेरे साथ कौन कौन आने वाला है, तो छोटा सा सरप्राइज भी रहने दीजिए, और वहीं आपको मिलवाती हूँ कौन कौन आने वाला है। तो ये देखिए मैं आपसे काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ इस वक्त, और मिष्टी को मैंने नहला दिया है, ये रही हमारी क्यूट सी बटे गर्ल। तो आज मैंने मिष्टी को भी नहला दिया है, और चलिए फिर मैं अभी तैयार हो जाती हूँ, मिष्टी को भी तैयार कर देती हूँ, फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। अभी आप देख सकते हैं पीछे मिष्टी खड़ी है, बर्थडे गर्ल। तो मैं मिष्टी का भी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मतलब हम निकल रहे हैं, सभी जा रहे हैं, और तो चलिए आप भी फिर मेरे साथ, आज हम उसका बर्थडे बाहर ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो चलिए फिर आप भी मेरे साथ। वो रही मिष्टी, हाय। तो यहाँ पर मैं रेस्टोरेंट में पहुँच चुकी हूँ, और ये काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आपको बर्थडे पार्टीज़ वगैरह या वेडिंग फंक्शन कुछ भी प्लान करना हो, काफ़ी अच्छी जगह है ये। प्रेम प्लाजा है करनाल में, अगर आप हैं और करनाल से अगर हैं तो आपको पता होगा प्रेम प्लाजा काफ़ी अच्छा, बैंकेट हॉल भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे दोनों ब्रदर आए हैं और दोनों भाभी भी आई हैं, और बीच वाले ब्रदर के दोनों बच्चे भी हैं, और मेरे मॉम डैड हैं, सभी आए हैं। तो चलिए फिर मैं उनसे मिलवा देती हूँ। ये मिस्ट्री है अरमान, जयंत यानी कि मेरे भाई का बेटा, तो दोनों बच्चे उसी के हैं, और ये दोनों बच्चे मेरे बीच वाले ब्रदर के हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चे भी बाहर मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, और यहाँ पर हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं। सो ये है अरमान, और सबसे पहले हम अपना सूप इंजॉय कर रहे थे, एक्चुअली सूप अभी हम लेंगे और उसके बाद लंच आएगा अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ, ये मेरा वाइट शर्ट में बीच वाला ब्रदर है, और छोटा ब्रदर अभी आया नहीं है, वो रास्ते में है, पहुँच जाएगा थोड़ी देर में, फिर आपसे मिलाती हूँ। ये मेरे मॉम डैड हैं, ये मिष्टी है, कुछ मस्ती कर रहे थे यहाँ पे, सभी सूप इंजॉय कर रहे हैं। सूप काफ़ी टेस्टी था भाई, तभी मैं आपको बता दूँ, सूप बहुत ही ज़्यादा यमी था। तो यहाँ पर लंच आ चुका है, सभी खाना खा रहे हैं, तो खाना भी इसका काफ़ी अच्छा था। आप अगर कभी करनाल आए, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, मतलब बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ का। और मेरा छोटा ब्रदर भी आ चुका था और भाभी भी आ चुकी थी। तो यहाँ पर गाइस मैं अभी घर जा रही थी, मिष्टी ने बोला कि मुझे केक नानी के घर ही काटना है, तो उससे पहले मैंने कुछ दोनों बच्चों के लिए गिफ्ट्स लिए थे, अरमान के लिए, जयंत के लिए, तो मैंने कुछ अपने भाई के बच्चों के लिए भी रिटर्न गिफ्ट्स लिए थे दोनों के लिए। तो यहाँ पर ये मेरा भतीजा नाच डांस कर रहा है, जयंत, इसको डांस का बहुत ज़्यादा शौक है, काफ़ी अच्छा डांस करता है, आप देख ही सकते हैं। आपको इसका डांस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अभी अरमान भी डांस करेगा। हाँ एक्चुअली थोड़ा सा शाय है, थोड़ा सा शर्माता है, और वो भी अभी दोनों बच्चे मस्ती करेंगे अभी देखिए। तो बस अभी कुछ देर यहाँ बच्चे मस्ती कर रहे थे, नाच गा रहे थे, उसके बाद हम केक लेकर आ गए थे। फिर हम सब ने केक काटा था, क्योंकि मिष्टी चाहती थी कि केक मुझे होटल में नहीं काटना है, वहाँ पर रेस्टोरेंट में नहीं काटना है मतलब, तो उसने मना किया था, उसने बोला था मुझे नानी के घर जाकर ही काटना है केक, वहीं जाकर मतलब अपना बर्थडे मनाना है। तो लंच हमने बाहर कर लिया था, फिर घर आकर हमने केक वगैरह काटा था। ये मेरी मॉम का घर है आप देख सकते हैं, यानी कि मेरा मायका है ये। सो गाइस केक काटने के बाद बस हम घर चले गए थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, और नेक्स्ट डे मिष्टी और अरमान ने दोनों ने स्कूल भी जाना था, तो काफ़ी लेट हो गया था। मैं बस केक काटने के बाद हम वापस आ गए थे, और घर जाते जाते गाइस मिष्टी को दोबारा भूख लग गई थी, तो बच्चों की भूख का तो आपको मालूम ही होगा कि कैसी होती है, रात को ज़्यादा कुछ अच्छा खाने की थी नहीं। तो मैं आते हुए हम रास्ते में मोमोज ले आए थे, मोमोज सभी को, हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मोमोज ले आए थे आते हुए, यहाँ पर हम मोमोज खा रहे हैं। और गाइस चलिए मैं इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और अपनी ब्लेसिंग्स और बेस्ट विशेज, अपना प्यार मिष्टी को ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।